क्यों शादी करी? चलो अब इसको सोने देते हैं। ये लो चलो खा लो ब्रेकफास्ट कर लो। नो आ गया। यस धीरे धीरे स्लोली स्लोली इसको सर जरा उठाओ। क्यों? इतने प्यार से काम कर रही है। देखो दीदी आपको काम कर रही है। हो गया हो गया हो गया। तो आज बहुत दिन के बाद मैंने पूरा खाना बनाया था। सब्जी, दाल, रोटी और सैलड वगैरह सब कुछ बनाया था और हमने खाया। और अभी हम टीवी एंजॉय कर रहे हैं। और आज दिन में कई सारे काम हो गए तो पर्टिकुलर मैं हर चीज का वीडियो शूट नहीं कर पाई। बड़े दिन से घी बनाना पेंडिंग था तो आज घी बनाया और अभी कढ़ी और राइस बना रही हूँ। जल्दी खाने में लग गई मैं रात के डिनर में क्योंकि मन हो रहा था बाहर जाकर के थोड़ी खुली हवा में सांस लेकर के आऊँ। जब बहुत साल के बाद मम्मा कहीं और रहेगी, पापा कहीं और ऑफिस से चले जाएंगे तो तुम ये वीडियो देख करके खुश होना है ना। हंसना, स्माइल करना, अपने चीकू को बहुत प्यार करना। देखो चीकू, मम्मा पापा हम तुम गए थे घूमने, तुम्हारी फर्स्ट आउटिंग हमारे साथ, लॉन्ग ड्राइव हमारे साथ। ए चीकू, फर्स्ट लॉन्ग ड्राइव। अच्छा अब शांत हो जाओ। अरे वाह, रिलैक्स हो गया मेरा बच्चा, रिलैक्स। तो आज बड़े दिन के बाद हम गए बाहर आउटिंग के लिए और आज थी चीकू की हम सभी के साथ में पहली लॉन्ग ड्राइव। और देखते देखते हम बहुत दूर निकल गए, मौसम भी अच्छा था तो बस हवाओं में ही मैं खो गई। और इतने में क्या हुआ कि अनिका ने कैसे चोट लगवा ली और क्या किया और वो एकदम से रोने लग गई। ना तो ये बता रही थी कि क्या प्रॉब्लम है और ना ही ये बता रही थी कि उसे चोट लगी या फिर कुछ बात से वो अपसेट है इसलिए वो रो रही है। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था। बाद में पता चला कि चीकू की जो कैरी कॉट हम लेके गए थे उसके वजह से अनिका को थोड़ा सा फेस पे चोट लगा और वो रोने लग गई। एक्चुअली अनिका बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड है, उसे थोड़ा भी चोट लगता है ना तो बहुत रोती है
और उसे सिर्फ मम्मी ही चाहिए होती है। एंड यहाँ अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब से चीकू आई है और अनिका के अंदर बहुत चेंजेस आए हैं। इनफैक्ट अब जब भी उसे चोट लगती है फिर उसे हर्ट होता है तो वो बताती नहीं, वो हाइड करने की कोशिश करती है। मे बी ऐसा क्यों हो रहा है, शायद सिबलिंग के आने की वजह से हो रहा है ऐसा। मॉर्निंग का टाइम और अभी जस्ट मैंने मिल्क पम्प किया है, और यानी कि ये ब्रेस्ट मिल्क है जो कि बॉटल में आपको दिख रहा है, और ये ब्रेस्ट पम्प है जिससे मैं मिल्क पम्प करती हूँ, और ये बॉटल है एवेंट। फिलहाल मैं फिलिप्स 7 की बॉटल यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जब से मैंने ये बॉटल यूज़ करना स्टार्ट किया है आई डोंट नो व्हाई बट चिकू ने बिल्कुल भी फीड लेना बंद कर दिया है बॉटल से। मैं फ्रीक्वेंटली ट्राई करती हूँ कि उसे बॉटल से फीड दूँ, लेकिन वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती है और उसका रिजेक्शन मुझे झेलना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड ब्लॉग्स हमारे चैनल पर आते ही रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और अगर वीडियोज़ अच्छे लगें तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। ब्रेस्ट पंप एंड एक्सेसरीज हम न्यू मॉम्स की लाइफ को न्यू बॉर्न बेबीज के साथ जितना इजी बना देता है उतना ही जरूरी होता है इनकी केयर और इन्हें प्रॉपरली वॉश करना और स्टरलाइज करना। तो मेक श्योर कि आप जब भी ब्रेस्ट पंप यूज करें अच्छे से क्लीन करके स्टरलाइज करके ही यूज करें, एंड यूज करने के बाद भी आपको इन्हें प्रॉपरली अच्छे से वॉश करना है अच्छे बेबी बॉटल क्लींजर से, और इसके बाद आपको इसे स्टरलाइज करना है। अगर आप स्टरलाइजर यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, नॉर्मल पानी को अच्छे से बॉयल करके भी आप उसमें इसे स्टरलाइज कर सकते हैं, लेकिन इन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है बेबीज को होने वाले किसी भी तरीके के ओरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए। और इसी में मैं पैसिफायर वगैरह भी स्टरलाइज कर लेती हूँ तो मेरे लिए काफी इजी हो जाता है। शायद मैं आपको बताना भूल गई थी कि कुछ दिन पहले अभी चिकू को हुआ था कॉन्स्टिपेशन, 4 से 5 दिन उसे मोशन नहीं आए थे, लेकिन 5th डे उसे मोशन आ गया था, अच्छे से उसने पॉटी कर ली थी। तो न्यू बॉर्न बेबीज़ के साथ में एक नॉर्मल बात ये होती है कि हो सकता है उन्हें 4 से 5 दिन, 2 से 3 दिन या से 6 से 7 दिन भी मोशन नहीं आया, तो ये सब कुछ नॉर्मल होता है। आपको क्या करना है, बस बेबी के फीडिंग स्केड्यूल को ध्यान रखना है। ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो कराते रहिए, दिन में 2 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टमी की मसाज और एक्सरसाइज जरूर करवाइए। मोशन नहीं आया है लेकिन यूरिन टाइम पे आ रहा है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। अब मोशन नहीं आने में बच्चा परेशान हो सकता है, उसे पेट दर्द हो सकता है, क्रैंकी हो सकता है और गैस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ऐसे में पेट की एक्सरसाइज कराने में पेट पे सौंफ और हिंग का तेल लगाने से बच्चों को बहुत आराम मिलता है। ऐसे करना।